रफ़, फ्रिजी और उलझे बालों की प्रॉब्लम हम सब अक्सर फेस करते हैं, तो ऐसे बालों को स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल कैसे बनाया जाए ये हम आज देखेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता और मेरी ऑनगोइंग एलोवेरा फॉर हेयर एंड स्किन सीरीज़ में आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जो रूखे, सूखे और उलझे बालों की डीप कंडीशनिंग करता है और उन्हें हेल्दी और शाइनी बनाता है। तो इस डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/2 कप एलोवेरा जेल। मैं हमेशा की तरह नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इस जेल को घर पर कैसे बनाते हैं ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल ग्लिसरीन। वेजिटेबल ग्लिसरीन आपको दवा की दुकानों पर आसानी से मिल जाएगा। चाइनीज और कोरियन लड़कियों के हेयर हमेशा शाइनी, सिल्की दिखते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं जो आपको बताना चाहूँगी वो ये कि इन कंट्रीज़ में मोस्टली लेडीज़ हेयर ऑयल की जगह पर ग्लिसरीन यूज़ करती हैं। ग्लिसरीन हेयर स्ट्रक्चर के अंदर समाकर उसे मजबूती से बाइंड करता है, जिससे ब्रेकेज नहीं होता और हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद हमारे हेयर मास्क को और भी पावरफुल बनाने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ हेयर स्पा क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का हेयर स्पा क्रीम यूज़ कर सकते हैं या कोई भी थिक कंडीशनर जो आपके हेयर को सूट करता है। हेयर स्पा क्रीम या कंडीशनर मिलाने का पर्पस ये है कि इससे हमारा हेयर मास्क थिक हो जाएगा और बालों में टिका रहेगा, बहेगा नहीं। हेयर स्पा क्रीम से डीप कंडीशनिंग तो बहुत ही अच्छी होती है। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि मैंने नेचुरल एलोवेरा जेल लिया है जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है, मैं ऐसा विस्कर यूज़ करना पसंद करती हूँ। इससे ये ईजिली मिक्स हो जाता है और एकदम फ्लफ़ी हेयर मास्क बनता है। ये हेयर मास्क कोई भी यूज़ कर सकता है, बॉयज़ या गर्ल्स। नेचुरल होने की वजह से इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अप्लाई करने के पहले हेयर पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे। हल्के गीले बालों पर कोई भी मास्क अच्छे से स्प्रेड होता है। अब पूरे हेयर लेंथ पर इसे ठीक से अप्लाई करेंगे। स्कैल्प पर यानी कि जड़ों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल ड्राई हैं और कलर या केराटिन ट्रीटमेंट कराने की वजह से डैमेज हो गए हैं, तो हर 10 दिनों में एक बार डीप कंडीशनिंग करने की कोशिश ज़रूर करें। इससे हेयर की सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ वापस आएगी। हेयर पर एलोवेरा हेयर मास्क लगाते हुए ऐसा ट्विस्ट करते जाएंगे, इस तरह से कंडीशनर अच्छे से हेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। पूरे हेयर में लग जाने के बाद कम से कम 1 घंटा रहने दीजिए, फिर सिर्फ सादे पानी से बाल धोइए। हो सके तो उस दिन शैम्पू स्किप कर दें। इससे एलोवेरा, ग्लिसरीन और हेयर स्पा क्रीम का नरिशमेंट हेयर में लॉक होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।